नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। बिहार सरकार द्वारा आयोजित परिवार नियोजन के तहत जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बिहार सरकार द्वारा आयोजित परिवार नियोजन के तहत जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा कार्यक्रम के आयोजन सदर अस्पताल भागलपुर में किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन सिविल सर्जन उमेश शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। यह कार्यक्रम 13 जुलाई से 31 जुलाई तक होना है। जैसा कि आप जानते हैं कि अपना बिहार 2035 तक में भारतवर्ष का जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य होने जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा नीति निर्देशन के तहत यह तय किया गया है कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को पूरी शिद्दत के साथ लागू किया जाए। कार्यक्रम में पोस्टर, बैनर, हैंडबिल के माध्यम से लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में आशा, हेल्थ वर्कर, ANM एवं फैमिली प्लानिंग काउंसिलर सक्रिय दिखे। कार्यक्रम जो है वो बिहार सरकार द्वारा आयोजित ये फैमिली प्लानिंग से संबंधित के कार्यक्रम है। ये जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा आयोजन किया जा रहा है। ये 11 जुलाई से 31 जुलाई तक चल रहा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2035 तक हमारा राज्य बिहार जो वो हमारे देश में सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर स्टेट मिल जाएगा। सब इसके लिए बिहार सरकार के जो हमारे नीति निर्देशक हैं, जो हमारी नीतियाँ हैं, उसमें ये प्राथमिकता के तौर पर यह तय किया गया है कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम, जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम को पूरी शिद्दता से लागू किया जाए। जैसे 18 से ऊपर की शादी, 18 साल की शादी होती है तो पहला बच्चा 21 साल की उम्र में होना चाहिए। वो 3 साल का जो गैप होता है उसमें जो नव दंपत्ति को फैमिली प्लानिंग के उपायों का सहारा लेना पड़ेगा, उसके लिए हमारी आशा, हमारे हेल्थ वर्कर, हमारे ANM, हमारे फैमिली प्लानिंग काउंसलर, हमारे MOIC, हमारे MO और हमारे जिला स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो इस जागरूकता में भाग लेंगे और बड़ी से बड़ी संख्याओं में महिलाओं को लाभान्वित करें। दो बच्चे के बीच में भी 3 साल का अंतराल होना जरूरी है। हम डॉक्टर अंजना कुमारी है, मैं अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर भागलपुर में काम करती हूँ।